हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यहाँ पर मिस जावी के साथ मिलकर सेवन शेक डेवल्स और रिजर्व टीम दोनों ही एक इवल कल्टीवेटर को पकड़ने के लिए गुफा में एंटर हो चुके थे, जहाँ वो लोग इससे पहले कि उस इवल कल्टीवेटर के बिछाए हुए जाल के बारे में कुछ भी समझ पाते तब तक उन लोगों के लिए बहुत ही देर हो चुकी थी। क्योंकि हम देख पाते हैं कि उस इवल कल्टीवेटर ने अपनी रेड की आर्मी पर काफी सारे एलिमेंटल बॉम्ब्स लगाए हुए थे, जिसकी वजह से सेवन शेक डेवल्स को बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलने को मिला। इवन की हाउसवान यहाँ पर अपने दोस्तों को बचाने के लिए जान से मारा जाता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर जुआन भी पहुंच चुके थे, जो कि अपने डिसाइपल की मदद कर ही रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी नजर पीछे पड़ी, वो देख पाते हैं कि युहाव वहाँ पर मौजूद नहीं, क्योंकि युहाव को सिविल कल्टीवेटर ने अपना बंदी बना लिया था। पर तभी अचानक नेक्रोमेंसर गॉड एलेक्स की सोल यहाँ युहाव की बॉडी पर कब्जा कर लेती है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस इवल कल्टीवेटर ने अपनी डेड की आर्मी को हुक्म देकर यहाँ नेक्रोमेंसर गॉड एलेक्स पर हमला करवाना शुरू कर दिया। लेकिन गॉड एलेक्स अपने आसपास के वक्त को स्लो कर लेता है, साथ ही साथ वो उस इवल कल्टीवेटर को बता रहा था कि मुझे अपने पास्ट लाइफ की ज्यादा मेमोरीज याद नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर याद है कि मैं चाहे जिसे भी मारना चाहूँ मैं उसे जान से मार सकता हूँ, क्योंकि मैं हूँ गॉड ऑफ डेथ द नेक्रोमेंसर। जो सुनने के बाद अचानक ही हम देखते हैं कि गॉड एलेक्स ने अपनी नेक्रोमेंसी की पावर दिखाते हुए यहाँ पर एंजल ऑफ डेथ के डेथ की आर्मी को अपना ही बना लिया था। यानी वहाँ पर मौजूद वो डेथ की आर्मी यहाँ इवल कल्टीवेटर का हुक्म मानने से इनकार कर रही थी, क्योंकि नेक्रोमेंसर ने उन सब पर काबू कर लिया था। ये सब देखकर तो वो एंजल ऑफ डेथ बहुत ही परेशान होते हुए कहता है कि आखिर तुम लोगों को हो क्या गया, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। दूसरी तरफ नेक्रोमेंसर के बचाए हुए फॉर्मेशन की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ युहाव बहुत ही कूल तरीके से उस डेथ की आर्मी को हुक्म देकर कहता है कि लो, मैं तुम लोगों को मौका दे रहा हूँ, इस आदमी ने तुम लोगों की जान ली है, अब तुम लोगों का वक्त आ चुका है कि तुम अपना बदला लो। जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ उस इवल कल्टीवेटर की आर्मी ने ही पलट कर उस पर हमला करना शुरू कर दिया था, जहाँ पर वो अकेले ही अपनी आर्मी से फाइट करते हुए कह रहा था कि तुम लोगों को हो क्या गया है, रुक जाओ, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तुम लोगों को तो मेरा गुलाम होना चाहिए था। गॉड एलेक्स अपनी आंखों के सामने ये सारा नजारा देखते हुए बोलता है कि कभी मेरे दिल में ना खत्म होने वाली नफरत हुआ करती थी, लेकिन डीप स्लीप से उठने के बाद मेरी मुलाकात एक इंसान से हुई जिसने मेरा नजरिया बदल दिया। मुझे इवल और गुड जैसा कुछ नहीं दिखता, मुझे बस इतना ही मालूम है कि बेशक आपके पास इवल पावर्स ही क्यों ना हो, आप उसका भी अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। युहाव, जब तुम्हारे दिल से हमेशा हमेशा के लिए नफरत और गुस्सा खत्म हो जाएगा, जब तुम्हारे दिल में सिर्फ रहम और अच्छाई बच जाएगी, तब मैं परफेक्टली तुम्हारा थर्ड मार्शल स्पिरिट बन जाऊंगा और उसके बाद तुम मेरे अनडेड के मैजिक का इस्तेमाल कर पाओगे। यानी कि हो सकता है दोस्तों आने वाले फ्यूचर में युहाव को भी नेक्रोमेंसी की पावर मिल जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि युहाव यहाँ अपने सोल सी में आ चुका था, क्योंकि बाहर की तरफ मौजूद वो इवल कल्टीवेटर अब जान से मारा जा चुका है। सोल सी में आने के बाद यहाँ युहाव गॉड एलेक्स को देखकर सवाल करते हुए पूछता है कि वैसे तुम हो कौन और तुम इतने जरा ताकतवर कैसे हो, जिस पर गॉड एलेक्स तो युहाव को कुछ भी नहीं बता पाता क्योंकि उसके पास अपने पास्ट की मेमोरीज नहीं है। जबकि टियानमिंग यहाँ पर युहाव को बताता है कि मुझे एक बात तो अच्छे से मालूम है, ये गॉड एलेक्स पहले एक बहुत ही पावरफुल इंसान हुआ करता था जिसकी एबिलिटीज का कोई शुमार नहीं, और इसका सामना जरूर किसी पावरफुल वॉरियर से हुआ होगा, जहाँ पर इसकी मौत हो गई और उसके बाद से इसकी ये कॉन्शियस का टुकड़ा तुम्हारी सोलसी में यहाँ पर आ गया होगा। दोस्तों टियानमिंग को तो गॉड एलेक्स की हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन आप लोगों को मालूम हो सकता है क्योंकि मैंने इस पर ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो बना दी है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया होगा। इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हो। दूसरी तरफ नीचे हम यहाँ पर जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस को देखते हैं, जो कि युहाव को बता रही थी कि तुम नहीं सोच सकते कि आखिर ये गॉड एलेक्स कितना ज्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि अभी के लिए इसकी जो कंडीशन है ये अपनी फुल पोटेंशियल की पावर को तो चाहकर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। गॉड एलेक्स को अगर अपनी कंप्लीट पावर का इस्तेमाल करना है तो एटलीस्ट उसे 100 साल तक डीप स्लीप में रहना होगा। जो सुनकर युहाव सवाल करते हुए पूछता है, पर गॉड एलेक्स ने काफी आसानी के साथ उस इवल कल्टीवेटर को जान से मार दिया, जिस पर आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस जवाब देकर बताती है कि वो इवल कल्टीवेटर तो गॉड एलेक्स की पावर्स के सामने कुछ भी नहीं। युहाव यहाँ पर मौजूद कोई भी इस वक्त अंदाजा नहीं लगा पा रहा कि गॉड एलेक्स की पावर्स का रियल स्टेज क्या होगा, इसीलिए टियानमिंग यहाँ युहाव से कहता है कि तुमसे जितना सारा हो सके तुम्हें गॉड एलेक्स की पावर्स को उससे सीखना होगा, क्योंकि अगर एक बार तुमने वो एबिलिटीज हासिल कर ली तो तुम धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। यहाँ इन लोगों के दरमियान ये सारी बातें तो चल ही रही थी, तभी अचानक हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मास्टर जुआन यहाँ युहाव को बचाने के लिए पहुंच चुके थे, जो कि युहाव को होश में लाकर सवाल करते हुए पूछते हैं कि युहाव तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। साथ ही वो यहाँ पर इवल कल्टीवेटर के बारे में सवाल करके पूछते हैं कि वो कहाँ पर है। तभी अचानक उसे नीचे पड़ी हुई जमीन पर उसकी लाश दिख गई थी, जो देखकर मास्टर जुआन तो काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि आखिर इसका ये हाल किसने किया होगा।
लेकिन यहाँ दूसरी तरफ गॉडेलिक्स युहो को मना करता है कि उसके बारे में वो यहाँ मास्टर जुआन को कुछ ना बताए, जिसकी वजह से युहो जवाब देकर बोलता है कि मुझे नहीं मालूम, मैं तो बेहोश हो चुका था और मैं जब तक होश में आया ये यहाँ पर मारा गया था। जो सब सुनकर मास्टर जुआन उसे और ज्यादा परेशान नहीं करता, बल्कि वो युहो से कहता है कि चलो अब हमें यहाँ से चलना होगा, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बाहर की तरफ हम यहाँ पर युहो के दोस्तों को देखते हैं जिनकी हालत काफी जरा खराब हो चुकी थी, जबकि सीनियर सेवन शेक डेवल्स तो ऑलमोस्ट बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड थे। मिज़ियावी यहाँ पर मौजूद इन लोगों की मरहम पट्टी करने की कोशिश कर रही थी, पर उन लोगों को तो यहाँ हाउस जुआन की मौत का बहुत ही दुख था, यहाँ ये लोग इसी गम के साथ गुजर ही रहे थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ मास्टर जुआन युहो को लेकर यहाँ पर पहुँच गया, जिसे देखकर तो वार्नो खुश होते फौरन से युहो के पास आ जाता है। वो इस बात को लेकर खुश है कि एटलीस्ट युहो को कुछ नहीं हुआ, वरना वो खुद को कभी माफ ना कर पाता। दूसरी तरफ मास्टर जुआन यहाँ मिज़ियावी से सवाल करते हुए पूछता है कि कंडीशन कैसी है, जिस पर मिज़ियावी बताकर बोलती है कि बहुत बुरी, क्योंकि हमने हाउस जुआन को उस ब्लास्ट के अंदर खो दिया, उसकी बॉडी बुरी तरीके से पॉइजनस हो चुकी है, हम सिर्फ उसके कुछ टुकड़े ही ले जा पाएंगे। जबकि राम की भी यहाँ पर हालत काफी जरा खराब है, क्योंकि उसके दोनों पैर कट चुके हैं, चेन ज़ाइफिंग ने भी अपना एक हाथ खो दिया है, जीजी को भी काफी गहरी चोट आई है जो कि अभी तक होश में नहीं आ पा रही, बाकी के सब लोगों को भी थोड़ी थोड़ी चोटें आई है। ये सब सुनकर तो मास्टर जुआन बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। साथ ही मिज़ियावी भी यहाँ मास्टर जुआन से सवाल करते हुए पूछती है कि उस इवल कल्टीवेटर का क्या बना, जिस पर मास्टर जुआन जवाब देकर बोलते हैं कि शायद युहो की सोल शॉट टेक्निक की वजह से वो वहीं पर जान से मारा गया, जो सुनकर तो सब लोग शोक हो गए थे। जबकि मिज़ियावी यहाँ पर युहो को शाबाश बोलते हुए कहती है कि तुमने हमारे लिए हाउस जुआन की मौत का बदला ले लिया। तभी अचानक हम देखते हैं कि केटो अपनी जगह पर खड़ा होकर मास्टर जुआन से कहता है कि मैंने उस पॉइजन को अच्छी तरीके से चेक कर लिया, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होने के साथ साथ बहुत ही अच्छा पॉइजन भी मिला हुआ था। इस तरह के इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से कंबाइन करके उनका एलिमेंटल बॉम्ब बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, इसे कोई अकेला इंसान तो बिल्कुल नहीं बना सकता। जिस पर मास्टर जुआन कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब इन सारे बॉम्ब्स को इकट्ठा बहुत बड़ी प्रोडक्शन में बनाया गया था, जो कि शायद ही सलुओ एम्पायर में बनाया जा सकता है, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कई ज्यादा आगे है। युहो भी ये बात सुनकर जवाब देकर बोलता है कि सलुओ एम्पायर और सनमून एम्पायर इन दोनों के दरमियान काफी ज्यादा तनाव है, कहीं सनमून एम्पायर ने यह सब जानबूझकर तो नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इस इवल कल्टीवेटर को जानबूझकर यहाँ सलुओ एम्पायर के काफी ज्यादा करीब भेज दिया था। शायद इसके अलावा भी उन लोगों को सलुओ एम्पायर के कॉम्पिटिशन को लेकर कुछ और भी बड़े प्लानिंग्स हो। ये सुनकर मास्टर जुआन यहाँ अपने डिसाइपल और मिज़ियावी से कहते हैं फिर तो तुम लोगों को स्टार लुओ एम्पायर की तरफ निकलना होगा ताकि तुम लोग उस कॉम्पिटिशन में जा सको, जबकि मुझे चेन ज़ाइफिंग और जीजी को वापस शेक एकेडमी लेकर जाना होगा ताकि वहाँ पर उन लोगों का अच्छे से इलाज हो सके, साथ ही वहाँ पर मुझे कुछ और लोगों को भी बुलाना होगा जो कि यहाँ इस कॉम्पिटिशन में तुम लोगों की मदद करने के लिए आ सके। ये सब बताने के बाद मास्टर जुआन वहाँ पर चेन ज़ाइफिंग और जीजी को लेकर टेलीपोर्ट होने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके थे। आखिरी बार वो यहाँ पर अपने डिसाइपल से कहते हैं कि मुझे तुम लोगों पर प्राउड है, मेरे बच्चों अब से शेक एकेडमी की इज्जत सिर्फ तुम लोगों के हाथ में ही है, जो सुनकर तो यहाँ पर मौजूद उनके सारे डिसाइपल्स काफी ज्यादा मोटिवेट हो चुके थे। वो इस बात की गहराई तक जाने के लिए उस कॉम्पिटिशन में हर हाल में हिस्सा लेंगे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जुआन यहाँ पर चेन ज़ाइफिंग और जीजी को टेलीपोर्ट करके वापस से शेक एकेडमी आ चुका था। मास्टर जुआन तो शेक एकेडमी वापस आने के बाद पहले तो कई दिनों तक गम में रहे, उसके बाद वो एक मीटिंग अरेंज कराते हुए अपने दोस्तों को बताते हैं कि मैं सुपरवाइजरी टीम के हेड से रिजाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी गलती की वजह से मेरी सुपरवाइजरी टीम का एक डिसाइपल जान से मारा गया, जबकि कई सारे जख्मी हो चुके हैं, जो सुनकर तो सब लोग ही शोक थे। इवन की मास्टर यान यहाँ पर उन्हें रोकते हुए कहता है कि उसमें तुम्हारी कोई ज्यादा गलती नहीं थी, वो बस सिर्फ एक बुरी किस्मत का अंजाम था जो तुम उस इवल कल्टीवेटर के बिछाए हुए जाल में फंस गए, और उन एलिमेंटल बॉम्ब्स के सामने वैसे भी तुम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन मास्टर जुआन उनकी कोई बात नहीं सुनते, वो बताते हैं कि वो डिसाइपल्स मेरी जिम्मेदारी थी और मेरी वजह से हाउस जुआन की मौत हुई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं हाउस जुआन के पेरेंट्स से आंखें कैसे मिला पाऊंगा। ये सब कहने के बाद मास्टर जुआन अपना बैच छोड़कर वहीं पर रिजाइन करते हुए जाने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे से किसी की आवाज आई जो कि मास्टर जुआन को वहीं पर रुकने के लिए बोलता है, जिनका नाम मास्टर वो लुवो था। वो यहाँ पर मास्टर जुआन से कह रहे थे कि यहाँ हमें यू अकेले छोड़कर जाने से बेहतर यही है कि तुम खुद की कल्टीवेशन पर ध्यान दो और खुद पर इतनी मेहनत करो कि दोबारा कभी ऐसा तुम्हें देखने को ना मिले, क्योंकि तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि तुम जितना उन डिसाइपल का अच्छे से ख्याल रख पाओगे उतना और कोई नहीं रख सकता। यहाँ अपने सीनियर की सारी बातें सुनकर मास्टर जुआन को वापस मजबूरन आना पड़ा, जो के पास आकर वापस से चेयर पर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ मास्टर लुवो यहाँ पर इन लोगों को बताता है कि एक बार ये कॉम्पिटिशन खत्म हो जाए उसके बाद हम अपने डिसाइपल को सन मून एम्पायर भिजवाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सन मून एम्पायर के सोल गाइडेंस ब्रांच के साथ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की बात कर ली है। इस इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की वजह से हमारे डिसाइपल्स को काफी कुछ सीखने को मिलेगा और वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो पाएंगे। ये सुनकर
जाकर वहाँ पर मौजूद एक मास्टर सवाल करते हुए पूछती है कि क्या वो इसके लिए एग्री होंगे भी, जिस पर मिस्टर मुलु वो कहते हैं कि हमारी शेक एकेडमी का नाम काफी ज्यादा रोशन है और अगर हम लोग कॉम्पिटिशन को भी जीत जाते हैं तो हम लोग और भी ज्यादा फेमस हो जाएंगे। उन लोगों को मजबूरन हमारे साथ बात करनी ही होगी क्योंकि इसमें उनका भी काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे मास्टर इसी बारे में बात कर रहे थे, तभी अचानक मास्टर मुलु वो बताता है कि मैं एक बार खुद भी वहाँ पर्सनली गया था, जहाँ पर सन मून एम्पायर की टेक्नोलॉजी को देखकर मैं बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया क्योंकि वो हमारी इमेजिनेशन से काफी ज्यादा खतरनाक है। उन लोगों के पास कई सारे ऐसे खतरनाक सोल गाइडेंस वेपन है जिसे अकेला इंसान नहीं बल्कि कई सारे इंसान मिलकर कंट्रोल करते हैं। इन सोल गाइडेंस वेपन को एक बार कोई भी देख ले तो उसके दिल में खौफ बैठ जाए, इवन कि मुझे भी उसने तो परेशान कर दिया था। ये सुनकर तो वहाँ पर मुझे सारे के सारे मास्टर ही अचानक से शॉक होते हुए कहते हैं कि आपने क्या कहा, आप तो ऑलरेडी एक लेवल 99 के वॉरियर हो। अगर उनके पास इतने ज्यादा खतरनाक सोल गाइडेंस वेपन है जो कि आप तक को शॉक कर दे तो पता नहीं हमारा क्या होगा। जिस पर मास्टर मुलु वो कहता है कि सन लुवो एम्पायर वाकई में बहुत ही ज्यादा डरावना है और मुझे इसी बात का ही तो डर है। यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं शेक एकेडमी को बहुत ही ज्यादा पावरफुल करना चाहता हूँ क्योंकि एक बार अगर फिर से वही बड़ी जंग शुरू हो गई तो मैं नहीं चाहता कि इस बार हमारी शेक एकेडमी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ युहा और उसके दोस्तों पर आ जाता है जो कि सन लुवो सिटी पहुंच चुके थे। वो सिटी दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मिस यावी यहाँ पर इन लोगों को एक जगह पर उतारते हुए कहती है कि सामने जो होटल है हम लोग यहीं पर स्टे करेंगे। जो सुनने के बाद सब लोग ही सामने के उस होटल में जाकर रुक गए। इसके बाद हम लोगों को रात की एक मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर मिस यावी अपनी रिजर्व टीम के 7 शेक डेविल से कह रही थी कि कल के दिन सन लुवो सिटी का कॉम्पिटिशन शुरू होगा, तो अगर कॉम्पिटिशन को लेकर तुम लोगों के दिल में किसी तरह के भी सवाल हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। जो सुनकर तो सच में इन लोगों ने बारी बारी करके अपने सवाल करना शुरू कर दिए थे क्योंकि इन लोगों को डर लग रहा था कि क्या सच में हम लोग वो कॉम्पिटिशन जीत भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये लोग तो उस कॉम्पिटिशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, वो कॉम्पिटिशन कैसे होगा, उसके रूल्स क्या है वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं। जिस पर मिस यावी कहती है कि तुम लोग फिक्र मत करो क्योंकि शेक एकेडमी से तुम लोगों के लिए रीइंफोर्समेंट भेजी जा रही है, लेकिन सबसे पहले तुम लोगों को नॉकआउट राउंड जीतना होगा क्योंकि ये इस कॉम्पिटिशन का फर्स्ट राउंड है, अगर तुम लोग इसे हार गए तो तुम लोगों को डायरेक्टली एलिमिनेट किया जा सकता है। ये सुनकर तो वो लोग पहले से भी ज्यादा परेशान हो गए और वो सवाल करते हुए पूछते हैं कि आपको क्या सच में लगता है कि हम लोग फर्स्ट राउंड को जीत भी पाएंगे। जिस पर मिस यावी ने बेशक ही हाँ कह दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर मौजूद इन सब लोगों को काफी ज्यादा डर लग रहा था। मिस यावी यहाँ पर मौजूद इन लोगों की आंखों में ये डर देखकर गुस्सा होते हुए फौरन अपनी जगह पर खड़े होकर बोलती है कि क्या तुम सच में इस तरह से अब डरोगे, ये बात भूल जाओ कि तुम लोग रिजर्व टीम थे, लेकिन ये बात याद रखो कि तुम लोग शेक एकेडमी के डिसाइपल हो जो कि हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं। शेक एकेडमी की हिस्ट्री हमेशा से अच्छी रही है, अगर तुम लोग एक दफा शेक एकेडमी में टिक पाए तो इसका मतलब तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। यहाँ मिस यावी की ये बातें सुनकर तो युहा और उसके सारे दोस्त काफी ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि अब उन्हें थोड़ी सी उम्मीद मिल चुकी थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ मिस यावी बहुत ही ज्यादा परेशान खड़ी थी, जबकि पुराने 7 शेक डेविल्स भी मिस यावी के पास आकर कहते हैं आपको बिना वजह उन लोगों को यू झूठी उम्मीद नहीं देनी चाहिए क्योंकि आप जानते हो कि वो कॉम्पिटिशन कितना ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन मिस यावी ये बात भी तो अच्छे से जानती थी कि मेरे बाकी के सारे डिसाइपल बुरी तरीके से इंजर्ड है, मैं उन्हें फाइट करने नहीं भेज सकती और हमारे पास अभी तक री इन्फोर्समेंट भी नहीं आई। मिस यावी अपने शेक एकेडमी को जितवाने के लिए जो कर सके वो करेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ युहा वॉन्डोंग और ज्याओज्याओ पर भी आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ज्याओज्याओ तो अभी भी इस कंपटीशन को लेकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में है, लेकिन युहा और वॉन्डोंग उससे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो हमारी कल्टीवेशन किसी से कम नहीं, वैसे भी हमारे शेक एकेडमी ने हमें काफी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी है, हम लोगों के हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हम लोग अपनी आखिरी दम तक फाइट करेंगे। यहाँ ये सारी बातें तो चल ही रही थी जबकि बाहर की तरफ सन लुवो सिटी में भी चारों तरफ इस कॉम्पिटिशन की तैयारियां चल रही है। सारे लोग इस कॉम्पिटिशन को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और आखिरकार अरीना में वो कॉम्पिटिशन वाला दिन आ ही जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सन लुवो एम्पायर का किंग सबसे पहले आगे आकर यहाँ पर मौजूद सारे के सारे ऑडियंस को वेलकम करता है। वो उन्हें बताता है कि वो लोग कितना ज्यादा प्राउड महसूस कर रहे हैं जो ये सब लोग यहाँ पर कॉम्पिटिशन लड़ने के लिए आए, आप लोगों ने यहाँ सन लुवो सिटी में आकर हम लोगों की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ा दी, जबकि ये परंपरा तो बहुत पुरानी चली आ रही है। दुनिया भर की एकेडमीज अपने डिसाइपल को यहाँ पर कॉम्पिटिशन लड़ने के लिए भेजती है ताकि वो अपने डिसाइपल के थ्रू बता सके कि उनकी ट्रेनिंग कितनी ज्यादा बेहतर है। उम्मीद करता हूँ कि कल से ये कॉम्पिटिशन जो शुरू होने वाला है आप इस कॉम्पिटिशन को अच्छे से इंजॉय करोगे। ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग ही काफी ज्यादा खुश हो गए। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे कॉम्पिटिशन वाला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर अरीना में पहली फाइट होने वाली थी। सबसे पहले वहाँ पर होस्ट आकर खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि आज के दिन मैं आपकी होस्ट बनूंगी और साथ ही साथ मैं ही आपकी रेफरी भी हूँ। हमारे सन लुवो सिटी में इस वक्त टोटल 133 एकेडमी से डिसाइपल आए हुए हैं, लेकिन सेकेंडरी कॉम्पिटिशन में सिर्फ वही लोग जा पाएंगे जो कि इसके फर्स्ट राउंड यानी नॉकआउट राउंड को जीत पाएंगे। ये सुनकर तो सब लोग ही फाइट के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए। साथ ही वहाँ पर मौजूद वो होस्ट अनाउंसमेंट करती
यह है कि यहाँ पर सबसे पहली फाइट होने वाली है दो एकेडमीज के दरमियान, जिनमें पहली एकेडमी का नाम था टियानलिंग एडवांस सोल मास्टर एकेडमी और दूसरी एकेडमी का नाम था शेक एकेडमी। यहाँ पर शेक एकेडमी का नाम सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोगों ने ही सेवन शेक डेवल्स को चेयर अप करना शुरू कर दिया था, क्योंकि शेक एकेडमी का पास्ट यहाँ पर बहुत ही अच्छा था। इवन की यहाँ पर और भी कई सारे एकेडमी के डिसाइपल्स मौजूद थे, जिनमें से एक वॉरियर यहाँ पर काफी जरा मिस्टीरियसली कहता है कि आखिरकार मुझे सेवन शेक डेवल्स को देखने का मौका मिलने वाला है। और इसी मिस्टीरियस सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।